अभी मैं एक बार अपने हॉस्टल दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा हॉस्टल था जिसमें मैंने आज सुबह चेक इन किया है। ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। सो मिलिए माय न्यू फ्रेंड। गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ ओटी के मेन बस स्टैंड पे, और यहाँ पे हम डोडा पिक के लिए बस देख रही थी। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काफ़ी है, और रियर ही किसी बंदे को हिंदी आती है यहाँ पे, अदरवाइज किसी को हिंदी बोलना या समझना नहीं आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये कहाँ चुका हूँ। मैं एक्चुअली बेंगलोर एयरपोर्ट से मैंने बस लिया, और वहाँ से फिर मैं एक फ्रेंड के साथ ऊटी आ चुका हूँ, जो कि तमिलनाडु में है और काफ़ी पॉपुलर हिल स्टेशन है। आई होप आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट ट्रिप अब हमारी ऊटी की है, जो आप कंटिन्यूसली आगे देखने वाले हो। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जिस हॉस्टल में मैंने आज स्टे किया हुआ है। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और मैंने रात को बस ली थी जो कि वोल्वो बस थी। बस ठीक ठाक थी, कोई ज़्यादा बेकार भी नहीं थी, और उसको अच्छी भी नहीं बोल सकते। और स्लीपर बस थी, जिसका मैंने 1000 रुपीज़ प्राइस दिया था, और नाइट पूरी रात उसने लगा दी हमें। रात को 9 बजे वहाँ से बैठे थे, और सुबह 7 बजे हम ओटी पहुँच चुके हैं बेंगलोर से। तो अभी मैं एक बार अपने हॉस्टल दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा हॉस्टल था जिसमें मैंने आज सुबह चेक इन किया है। 800 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स, तो ये 2 रात का 800 रुपये इन्होंने लिया है। अब इसके जस्ट पास में ही एक रेस्टोरेंट था जिसपे कि मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए अपने फ्रेंड के साथ आ चुका हूँ, जिसके साथ मैं ये ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए दोस्तों, मैं उससे भी आपको मिलाऊंगा, और मैं एक बार ये दिखा देता हूँ जहाँ पे आप अभी जिसपे मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। अभी टाइम तो ऑलमोस्ट आई थिंक लंच का हो चुका होगा, या मैं मुझे पता नहीं टाइम क्या। हाँ 12 बजने वाले हैं, तो अभी ये कैफ़े है जिसपे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अभी ऐसा कुछ नज़र आए, काफ़ी अच्छा है। ये सामने किचन काफ़ी नीट और क्लीन। मैं अभी ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। सो मिलिए माय न्यू फ्रेंड मिस्टर रवि। ये रवि है यार, ऑनलाइन मिले थे दोनों, और हमारा काफ़ी टाइम से प्लान था एक ट्रिप करने का, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रिप था, बट वो कैंसिल हो गया ड्यू टू सम पर्सनल इशू। लेकिन अभी हमने फिर डोमेस्टिक ही इंडिया में ही हमने ट्रैवलिंग का प्लान किया, और अभी हम दोनों ऊटी में हैं। तो मैं कर्नाटका हो चुका है, ये सेकेंड है तमिलनाडु। वैसे पहले भी मैं बहुत सारा जगह घूम चुका हूँ। मेरा ही पिक्सल चैनल का नेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लो मैं कहाँ कहाँ घुमाऊँ। भाई मुझे भी सपोर्ट करो, भाई को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो भाई। अभी तो ये शॉर्ट ट्रिप एक नंबर होने वाला है, इसमें हम लोग रा ट्रैवलिंग करने वाले हैं। कैंपिंग वम्पिंग मतलब अब जहाँ मन तहाँ कैंप लगाएंगे, गाड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। हम रा ट्रैवलिंग अब देखने मिलेगा दोनों दोनों को चैनल पे, इससे दोनों चैनल को हम लाइव रख अपने नोटिफिकेशन बिल आइकन मतलब ऑन कर दो सोलो जर्नी और रही पिक्सल को। ठीक, तो आप लोग से मिलते हैं आगे, भाई से बात करो। सो ये दोस्तों रवि आप मिल चुके हैं इनसे अभी। सो हमारी नेक्स्ट ट्रिप है, दोनों के साथ ही होने वाली है, और ये प्रॉपर रो ट्रिप करने वाले हैं। हमने अभी कैंपिंग टेंट वगैरह सब कुछ कैरी किया हुआ है, तो आगे की जो हम ट्रैवलिंग करेंगे वो आप प्रॉपरली ऐसे ही देखोगे पहाड़ों में, और जहाँ पे हम कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी मैंने जो ऑर्डर किया था वो मसाला डोसा है, जिसका अभी प्राइस 90 रुपीज़ 90 रुपये है जिसका की प्राइस, और ये भाई ने थाली ऑर्डर की थी जिसका भी प्राइस 90 रुपये है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। बाकी एक बार खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे चल के। सो यार ये सांभर आया है अभी, और ये है मसाला डोसा। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी टेस्ट है, मैं थोड़ी सी फीलिंग कम की है डोसे के अंदर, बाकी प्राइस के हिसाब से टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर दिल्ली से कंपेरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है।
सौ के अकॉर्डिंग टूरिस्ट प्लेस इसलिए महंगा है, सौ के अकॉर्डिंग महंगा है, सिर्फ 50 रुपये की चीज़ें मिल जाता है भाई। बैंगलोर में 55 रुपये डोसा मिल जाता है, टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओ ऐसे सोलो ट्रैवलर में बात करूँ। अभी एक्सप्लोर करना तो बाकी है, एक्सप्लोर में दिखेगा अभी बजेगा। बाकी चलते हैं दोस्तों, आगे चल के मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद। गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ ओटी के मेन बस स्टैंड पे, और यहाँ पे हम डोडा पिक के लिए बस देख रही थी। तो डोडा पिक के लिए डायरेक्टली कोई भी किसी को कन्फर्म नहीं है, एक तो लैंग्वेज बैरियर काफ़ी है, तो हमें पता नहीं लग रहा डोडा पिक कैसे जाए। तो किससे कंफर्म करने के बाद पता लगा कोटा पे ही कोई प्लेस है जिसके लिए बस जा रही है, तो वो डोडा पिक के पास हमें वहाँ पे उतार के, और जब वो आगे जाएगी बस बेसिकली एक हिल स्टेशन है, और आगे चल के हम देखते हैं कैसी क्या जगह है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है। मैंने तो आज तक कभी उसको यूट्यूब पे भी या गूगल पे कभी सर्च करके नहीं देखा, बस दोस्त ने बोला तो मैं इस वजह से आ गया देखने के लिए। लेट्स ही देखते हैं दोस्तों, जब तक मैं एक बार आपको यहाँ का बस स्टैंड दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। सो ये यहाँ का कुछ लोकल बस स्टैंड है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा शहर है जो कि हिल स्टेशन के बीच बना हुआ, आपको सामने काफ़ी सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ों के बीच एकदम बादल और कलरफुल घर बने हुए लोगों के। सो ये कुछ नज़ारा है। सो दोस्तों एक बार बस का कंफर्म करके और बस में बैठ के मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं डोडा पिक की बस के लिए बैठ चुका हूँ, और मेरे साथ रवि भाई हैं, और हम दोनों बैठ चुके हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद हमें ये पता लगा कि ये बस डोडा पिक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काफ़ी है, और रियर ही किसी बंदे को हिंदी आती है यहाँ पे, अदरवाइज़ किसी को हिंदी बोलना या समझना नहीं आ रहा जल्दी से। तो हमें ऑलरेडी बस मिल चुका है, देखते हैं अभी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट का यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम पहुँच पा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा टिकट है जो कि मुझे 7 रुपये में मिला है, 7 रुपये का, और 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओटी से डोडा पिक के लिए, जो कि काफ़ी चीप, अभी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी चीप है, बस काफ़ी है। और टिकट का लुक भी कुछ ऐसा जैसे पहले दिल्ली में लोकल बसों में होता था, अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आज भी वही पुराना बस चलता है। और ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे तमिल लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंग्लिश में है, तो आप उसको रीड करके आप बस लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट वो पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी फील हो रही है, और डिफ़िकल्ट लग रहा है लोगों से बात करने में यार इन चीज़ों को, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में, बट सब कुछ अच्छा है, यही ट्रैवलिंग का मज़ा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे आपसे, थोड़ा सा आउटसाइड का व्यू दिखा देता हूँ। से भी आपको लोकल बस का नज़ारा दिखा देता हूँ, जो साउथ में या तमिलनाडु में लोकल बसें चलती हैं उसके अंदर का क्या नज़ारा होता है। ऐसा कुछ ये लोकल बस है यहाँ का जिसमें कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी हमें सीट मिल गई थी पहले ही, तो अभी देखते हैं आगे चल के दोस्तों, आपको उतर के मिलता हूँ। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे अभी भाई, वो कम इधर से जा नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे टाइगर अटैक काफ़ी हो चुके हैं, जो एक रिपोर्ट्स के अनुसार मुझे पता लगा 23 अटैक अभी तक टाइगर यहाँ पे कर चुका है, इसीलिए इन्होंने भाई वॉक जाना बंद किया हुआ है। अभी मेरे सामने नीचे ये जगह देख रहे हो गए, इससे आगे सारा व्यू सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पे आके लोग पहले काफ़ी टाइम पहले सुसाइड कर लिया करते हैं।